छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि गोवर्धन पूजा या अन्नकूट लोक जीवन से जुड़ा त्यौहार है। छत्तीसगढ़ में इस दिन गौ पूजन की परंपरा है। हमारी सनातन संस्कृति ने हमें सभी जीवों पर दया करना सिखाया है। अन्नकूट का त्यौहार भी हमें यही संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन पूजा गौवंश की पूजा आराधना का पर्व ही नहीं, यह गौवंश की सुरक्षा और सेवा का संकल्प लेने का पर्व है। सभी प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति में मनुष्य के साथ साथ समस्त जीव जंतुओं के लिए भी मंगल कामना की जाती है। गोवर्धन पूजा का यह त्यौहार गोवंश और प्रकृति की सेवा का त्यौहार है, जिसे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में देवारी त्यौहार के नाम से मनाया जाता है। इस दिन गोवंश की पूजा अर्चना कर उसे खिचड़ी खिलाने की परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण की यादें इस त्यौहार से जुड़ी हुई हैं। इस पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और गौ माता से सभी छत्तीसगढ़ वासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करता हूँ। पुनः आप सभी को गोवर्धन पूजा की बधाई एवं शुभकामनाएं।